आईपीएल के एक और रोमांचक मुकाबले में किंग्स इलेवन पंजाब ने राजस्थान रॉयल्स को 6 विकेट से बीती रात हरा दिया। आपको बता दें कि ये मैच पंजाब के सेकंड होम ग्राउंड इंदौर में खेला गया था। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने 152 रन बनाए। जवाब में किंग्स इलेवन पंजाब ने 4 विकेट खोकर ही बड़ी जीत हासिल कर ली। लेकिन इस दौरान मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। मयंक अग्रवाल और मनोज तिवारी ने एक ऐसा कैच पकड़ा जिसको देखकर सभी हैरान रह गए। खराब शुरुआत के बाद मिडिल ऑर्डर के हाथ में बड़े स्कोर की जिम्मेदारी आ गई थी। बेन स्टोक्स अच्छी लय में नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि मुजीब की गेंद पर उन्होंने छक्का लगाने की कोशिश की, गेंद लॉन्ग ऑफ पर की तरफ गई और मयंक अग्रवाल अगर कोशिश नहीं करते तो बॉल आराम से छक्के की ओर चली जाती। लेकिन मयंक अग्रवाल को ने बाउंड्री की तरफ ड्राइव लगाकर बॉल को पकड़ा और बॉल मनोज तिवारी की तरफ फेंक दी जिसको उन्होंने भी पकड़ लिया। यहां पर दोनों खिलाड़ियों का प्रेजेंस ऑफ माइंड भी देखा गया। इसके लिए मनोज तिवारी को परफेक्ट कैच ऑफ द मैच भी दिया गया जो मयंक और मनोज दोनों ने एक साथ लिया था। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।